और लूट की गारंटी यानी कांग्रेस। कैसे, चलिए हम बताते हैं। कांग्रेस पहले झूठे वादे करके सरकार बनाती है, फिर जहाँ जहाँ उसकी सरकार बन जाती है वहाँ बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ के करप्शन का खेल खेला जाता है। फिर भ्रष्टाचार के इसी पैसों को दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक में जहां हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहीं आईटी की रेड में एक घर से 42 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये सारा का सारा पैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में खर्च किया जाना था। ये पैसा 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की फंडिंग के लिए जुटाया गया था। कुछ इसी तरह की तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ तो महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया है। ईडी ने खुद 5.39 करोड़ रुपए नगद पकड़ा है। तब आरोपी ने वीडियो जारी कर खुलासा किया कि ये सारा पैसा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होना था। 508 करोड़ रुपए दे चुका है हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और यहाँ भी तस्वीर कुछ इसी तरह की है। यहाँ सिर्फ पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है और साल 2023 में अब तक 1021 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है। आपको याद होगा साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुखिया करप्शन नाथ थे। तब चुनाव से पहले सीएम रहते हुए कमलनाथ के ओएसडी के ठिकानों पर रेड मारी गई थी जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। ये सारा का सारा काला धन चुनाव में इस्तेमाल किए जाने के लिए इकट्ठा किया गया था। कांग्रेस का करप्शन से पुराना नाता है जो हमेशा रहेगा क्योंकि वो इसी काली कमाई का इस्तेमाल चुनाव में करती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये सब जान चुकी है, इसलिए वो अब इस भ्रष्ट कांग्रेस का सफाया करके ही मानेगी।